10 दिसंबर वो तारीख जब मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, वो तारीख जब आकाश आनंद को मायावती सर्वे सर्वा बनाने की ओर एक कदम बढ़ा चुकी हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया, तमाम तरीके की बातें उठने लगी। जहां बसपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं कई ऐसे नेता भी थे जिन्हें बात खासी पसंद नहीं आई। चंद्रशेखर आजाद उन्हीं में से एक थे। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी थी कि आकाश आनंद उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद क्या कहते हैं। आकाश आनंद ने सभी को निराश नहीं किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आकाश आनंद ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और एक तस्वीर भी साथ में शेयर की। तस्वीर में वो मायावती और काशीराम की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए लिखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए देश में दलित शोषित वंचित समाज के विकास के लिए आदरणीय मायावती जी ने जो मुझे अहम जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और इस मिशन को हमें देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। मैं सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस सफर में आप सभी युवा साथियों का साथ बेहद जरूरी है। आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, आपके साथ चलना चाहता हूं, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत लंबी है। कमर कस लीजिए। जय भीम जय भारत। तो फिलहाल आकाश आनंद ने अपने पोस्ट में वही बात कही जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही थी। युवा साथियों को जोड़ने की बात। आकाश आनंद को बसपा का उत्तराधिकारी घोषित करके मायावती ने साफ कर दिया है कि युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए आकाश आनंद पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। देखना होगा कि आकाश आनंद बसपा की बागडोर को कितनी मजबूती से और कितनी जिम्मेवारी से संभाल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।